ये है म्यांमार/बर्मा का अराकन एरिया, जो 1990-91 के इलेक्शंस के रिजल्ट को लेके बहुत खुश थे। असल में उस साल म्यांमार ने 30 साल में पहली बार एक फुल्ली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराया था, पर जल्द ही म्यांमार के कुछ लोगों की ये खुशी मातम बन गई। After an estimated 3,000 were killed in the uprisings, a new military junta promised democratic parliamentary elections would be held in 1990. 1990 में इलेक्शंस हुए तो, पर वहां की मिलिट्री ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर करने से मना कर दिया और प्रो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट को ऑप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अराकान एरिया में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पे तो फुल स्केल परसिक्यूशन ही स्टार्ट हो गया। रोहिंग्याओं का मास मर्डर, लूट होने लगा और उनकी मस्जिदों को ध्वस्त किया जाने लगा, और वो भी म्यांमार मिलिट्री के सुपरविजन में। इसकी वजह से करीब 2.5 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार छोड़कर भारत और बांग्लादेश आना पड़ा। बांग्लादेश ने तो फिर भी इन लोगों को रिलीफ दिया, कैंप्स लगाने की स्पेस दी, पर भारत में ये लोग इधर उधर भटकते रहे, कोई बंगाल, कोई बिहार, तो कोई यूपी, हैदराबाद और मुंबई पहुंच गया। बिना मकान और रोजगार के बहुत कठिनाई से किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस टाइम टू टाइम इन रोहिंग्या के लिए आवाज़ उठा रहे थे, जैसे कि रजा एकेडमी और मदीना तुल इल्म, जिन्होंने 2012 में मुंबई के आइकॉनिक आज़ाद मैदान में एक पीसफुल प्रोटेस्ट लीड किया। प्रोटेस्ट था 2012 में हुए असम दंगे और म्यांमार के दंगे के विरोध में। प्रोटेस्ट से कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि मुंबई में प्रोवोकेटिव SMS सर्कुलेट हो रहे हैं, और प्रोटेस्ट वाले दिन बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित होने की वार्निंग भी मिली। लेकिन रजा एकेडमी ने मुंबई पुलिस को पूरा आश्वासन दिया कि 1,500 से ज़्यादा की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, पर 11 अगस्त को 1,500 की बजाय 15,000 की भीड़ आज़ाद मैदान में एकत्रित होने लगी, और जल्द ही ये संख्या 40,000 को पार कर गई। उस प्रोटेस्ट में कुछ भड़काऊ भाषण दिए गए और प्रोवोकेटिव फोटोज भी सर्कुलेट किए गए, जिसके कारण करीब 3 बजे भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो गई और पुलिस पे पथराव करने लगी, दुकानों पर हमले करने लगी, मैदान के आसपास के लोगों पे, नागरिकों पर हमले करने लगी, बसेस की आगजनी होने लगी। कुछ दंगाइयों ने आज़ाद मैदान में बने अमर जवान ज्योति पर भी हमला करके उसे तोड़ दिया। इन दंगों में करीब 58 पुलिसकर्मी जख्मी हुए और 6 महिला पुलिसकर्मी को बुरी तरह से मोलेस्ट किया गया, और करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति भी बर्बाद हुई। अजीब बात यह है कि म्यांमार में और आसाम में हो रहे दंगे के कारण मुंबई में इतना वायलेंट प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? इसका आंसर पुलिस को तब मिला जब उन्होंने आजाद मैदान के मुख्य आरोपी को पकड़ा, 26 वर्षीय यूसुफ हुसैन खान, एक रोहिंग्या और इसके साथ कुछ बांग्लादेशी पासपोर्ट्स। और रिसर्च में पता चला कि यूसुफ जैसे कई रोहिंग्या और बांग्लादेशी युवा भारत में पिछले 2 डेकेड में हुए अलग अलग दंगों में शामिल थे, इंक्लूडिंग आसाम राइट्स, जिसके कारण आज़ाद मैदान का प्रोटेस्ट हो रहा था। 20 जुलाई 2012 की रात को 8:35 पर कोकराझार के जयपुर में 4 बोड़ो पुरुषों को बंगाली मुस्लिम इमिग्रेंट्स ने मॉब लिंचिंग कर दी। इसके बाद बोरो ट्राइब्स ने भी बंगाली मुस्लिम सेटलमेंट्स पर हमला कर दिया, और बढ़ते बढ़ते ये एक फुल स्केल सिविल अनरेस्ट में तब्दील हो गया। लोकल कम्युनिटीज जैसे कि बोरो, सोनोवाल, गारो का कहना है कि ये बंगाली मुस्लिम्स एक्चुअली बांग्लादेशी हैं जो इलीगली आसाम में सेटल हो गए हैं। ये दंगे डिकेड के सबसे बड़े दंगों में था, जिसमें करीब 100 लोग मारे गए और 4 लाख लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा था। पर यह अकेला इंसिडेंट नहीं था, पिछले 2 डेकेड्स में ऐसे मल्टीपल वॉयलेंसेज हुए हैं जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का हाथ था। 2023 में हरियाणा के मेवात में ब्रिज मंडल शोभा यात्रा पर मेवाती समुदाय ने हमला कर दिया, जिससे अशांति फैल गई। पुलिस जांच में पता चला कि हिंसा में रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल थे, और ये हमले की तैयारी 3-4 दिन पहले से योजनाबद्ध तरीके से हुई थी। हथियार जुटाए गए, पत्थर और अन्य प्रोजेक्टाइल्स बटोरे गए, मोल्टो कॉकटेल्स प्रिपेयर किए गए। कुछ मीडिया आउटलेट्स के अकॉर्डिंग करीब 2,000 इल्लीगल रोहिंग्यास नूह और मेवात एरिया में रह रहे हैं। इसी साल हल्द्वानी में जब कोर्ट ने सरकारी ज़मीन पर बने 2 अवैध मस्जिद को हटाने का फैसला लिया, तो मस्जिद डिमोलिश करने आई टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें ना सिर्फ 300 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, बल्कि कई पुलिसकर्मियों को तो जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बहुत ज़्यादा हम बहुत बच के आए, बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग, अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे,
उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फॉर्मर डीजीपी एके जैन ने बताया कि न्यू जैसे ये भी एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का हाथ था। लेकिन ये इलीगल रोहिंग्या सिर्फ प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं है। 2013 में बोधगया में यूनेस्को साइट महाबोधि मंदिर को भी निशाना बनाया गया था। इन ब्लास्ट को करने वाला इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी मोहम्मद उमर सिद्दीकी ने कहा कि ये म्यांमार के बौद्धों द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों के जेनोसाइड का बदला है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में इतनी बड़ी संख्या में क्यों हैं? ये कैसे आ गए? और अगर भारत में ही शरण ले रहे हैं तो फिर भारत में ही दंगे और ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं? और सबसे वियर्ड बात है कि म्यांमार तो बुद्धिस्ट नेशन है, तो फिर रोहिंग्या पे इतना जुल्म क्यों कर रहा है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान है? रॉन्ग। रोहिंग्याज म्यांमार की अकेली मुस्लिम ग्रुप नहीं है। इसके अलावा 6 और मुस्लिम ग्रुप्स हैं जो म्यांमार में रहते हैं, पर इनके अगेंस्ट कोई टारगेटेड वायलेंस नहीं होता है। क्यों? वेल, इसका रीजन है अंग्रेज। ब्रिटिशर्स कॉलोनियल एरा में हजारों की संख्या में बंगाली मुस्लिम्स को बंगाल से बर्मा के अराकन एरिया में बसा रहे थे फॉर चीप लेबर्स, जिसके कारण 1872 में 58,000 वाला मुस्लिम समाज सिर्फ 40 साल में यानी 1911 तक ट्रिपल होके 1,78,000 हो गया। ये लोग तेजी से लोकल वर्किंग क्लास को रिप्लेस करने लगे। इसके अलावा रोहिंग्याज का ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल्टी और एलिजेंस भी बर्मीज को पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर टू में बर्मा की पॉपुलेशन अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहती थी, तब बर्मा के बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ने जापानीज लोगों का साथ दिया, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों ने ब्रिटिशर्स का साथ दे के बर्मीज लोगों के खिलाफ हथियार उठा लिया, क्योंकि अंग्रेजों ने रोहिंग्या को बर्मा से काट कर स्वतंत्र इस्लामिक राज्य देने का वादा किया था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब ब्रिटिश और जापानीज फोर्सेज वापस गए तो बुद्धिस्ट और रोहिंग्या मुस्लिम्स के बीच एक ब्रूटल दुश्मनी छोड़ के गए। इंडिपेंडेंस के बाद ये एनिमिटी बढ़ती गई, क्योंकि हिंदूज की तरह बौद्ध भी एनिमल स्लॉटर को खराब मानते हैं और साथ ही बीफ कंजम्पशन के बिल्कुल खिलाफ थे और देश भर में बीफ बैन चाहते थे, पर रोहिंग्या अयरवडी एरिया में ओपनली बीफ बेचते और कंज्यूम करते थे। वैसे तो रोहिंग्या और बौद्धों के बीच टेंशन सालों से बना हुआ था, पर 2012 के मई ने इसे एक नया मोड़ दे दिया। 28 मई की शाम को 27 वर्षीय बुद्धिस्ट महिला मौत हिडा हितवी को 3 रोहिंग्या मुसलमानों ने पकड़ लिया और उसका गैंग करके उसे मार डाला। ये जघन्य अपराध बौद्ध को अनएक्सेप्टेबल था। उन्होंने हथियार उठा लिया और एक लार्ज स्केल रायट्स छिड़ गए, जिसमें 250 लोगों की मौत हुई और करीब 2.5 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इन दंगों ने आरसा नामक एक नए मिलिटेंट आउटफिट को जन्म दिया। आम रोहिंग्या लोगों का आरोप है कि आरसा जबरदस्ती यंग लड़कों को भर्ती करता है और आरसा जैसे अन्य रोहिंग्या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ISI, अलकायदा, लश्कर ए तैयबा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्शंस हैं, जो इन रोहिंग्या आउटफिट्स को एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए यूज़ करना चाहते हैं। इतना टर्बुलेंस और एथनिक वायलेंस देखने वाली पॉपुलेशन रेडिकलाइज होने के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती है, और ये बात हमने भारत में भी देखा कि कैसे इतने सारे रिलीजियस टेंशन्स में रोहिंग्याज इन्वॉल्व थे। और ये बात भारत सरकार के लिए कोई नई नहीं है। इनफैक्ट हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज तो इस बात को बखूबी जानती हैं, फिर भी इन रोहिंग्या बांग्लादेशी लोगों को भारत में आने से क्यों नहीं रोक रही? वेल, इसके 2 मेजर रीजंस हैं। पहला, पोरस बॉर्डर्स। भारत का बांग्लादेश और म्यांमार के साथ 5700 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जो जंगल, नदियों, दलदल से होके गुजरता है, जिसके कारण पूरे बॉर्डर की गार्डिंग इम्पॉसिबल है, और इसी वजह से बांग्लादेशी रोहिंग्या इमिग्रेंट्स के घुसने के लिए ये काफ़ी ईजी हो जाता है। दूसरा मेजर रीज़न है लैंग्वेज एंड इकोसिस्टम। रोहिंग्या और बांग्लादेशी बांग्ला लैंग्वेज बोलते हैं, जिसके कारण उन्हें वेस्ट बंगाल के लोकल लोगों से डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मुश्किल तू तो ऐसा टूरिस्ट वीजा नहीं घूमते कल एकदम कोच छो गानो। इन इमिग्रेंट्स को भारत में सेटल करवाने के लिए एक वेल एस्टैब्लिश इकोसिस्टम है, जिसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है स्मगलर्स, जो बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं। इन स्मगलर्स को बॉर्डर के कंडीशंस का पूरा आइडिया होता है कि किस सीजन में किस सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन इजी है, कहां पर BSF की पेट्रोलिंग कम रहती है। देयर आर फिक्स्ड रेट्स फॉर स्मगलिंग ऑफ रोहिंग्याज,
एक आदमी के 20-25 हजार लेते हैं, एक साथ एक फैमिली में अगर 5 आदमी या 6 आदमी हो जाता होता है तो उससे हम लोग 20-25 हजार डिस्काउंट देते हैं, 80-75 हजार में पार करते हैं। रोहिंग्याओं को एंट्री के बाद भारत के लोकल लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे कि हिंदी, आसमीज, डोगरी, डिपेंडिंग अपॉन विच एरिया दे विल बी सेटलिंग इन। फिर आते हैं एनजीओस जो इनको सेटलमेंट के लिए फैसिलिटेट करते हैं, जैसे कि माइल्स टू स्माइल, जिसका नूह में रोहिंग्या को सेटल कराने में बड़ा रोल रहा है। ये एनजीओ और इसके फाउंडर आसिफ मुस्तबा शाहीनबाग एंटी सीए प्रोटेस्ट में भी एक्टिव थे। शाहीनबाग मैंने, शर्जील, बाकी तमाम लोगों ने जिसकी नींव रखी 15 दिसंबर को। जमीयत उलमाए हिंद, जिसके बारे में हमने हलाल वाली वीडियो में भी बात की थी, जो आए दिन ढेरों टेरर अक्यूज का केस लड़ती है, उसने भी रोहिंग्यास के सपोर्ट में कई बार प्रोटेस्ट किए हैं। जमीयत उलमाए हिंद तो फिर भी भारत में रह रहे रोहिंग्यास के लिए केस लड़ रही है, पर कुछ संगठन तो रोहिंग्यास को भारत में लाने के लिए काम कर रहे हैं। ये है सोना मिया, मेवात में रहने वाले रोहिंग्या और उनका परिवार। इन्होंने बताया कि म्यांमार में जमाते इस्लामी के लोग उनसे मिलने आए थे और उन्हें मेवात आने को कहा था। जमाते इस्लामी के लोगों ने उनसे कहा कि भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव नहीं है म्यांमार जैसे, वहाँ पे जीवन बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि रिफ्यूजी की लाइफ बहुत टफ होती है, और इस टफ, अनस्टेबल, भागा दौड़ी वाले लाइफ में भी इनके 4 बच्चे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, क्योंकि यूएस के एनसीबीआई के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 50% ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज आर किड्स, जबकि वर्ल्ड एवरेज सिर्फ 33% के अराउंड है। इट मेक्स मी वंडर, इन सच स्ट्रेस व्हाई आर दे ब्रीडिंग सो फास्ट। अब आते हैं इकोसिस्टम के थर्ड कंपोनेंट, मीडिया पर। इंडियंस के बीच रोहिंग्या के प्रति सहानुभूति बिल्ड हो सके, इसलिए कई मीडिया आउटलेट्स नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जैसे कि टाइम मैगजीन की ये आर्टिकल जो ऑपोजिशन से रोहिंग्या की बात उठाने को कह रहा है। ऐसे ही आउटलेट्स हैं जो कभी भारतीयों को रोहिंग्या के लिए आवाज़ उठाने के लिए कहती है, या फिर एंटी इंक्रोचमेंट, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव्स को डेमोनाइज करती है। पर हम इन एनजीओज और मीडिया आउटलेट्स को क्यों दोष दे रहे हैं, जब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही रोहिंग्या को भारत में बसाना चाहते हैं? कैसे? वेल, इस वीडियो से पता चल जाएगा। ये 2005 लोकसभा की प्रोसीडिंग की फुटेज है, जहां पर ममता बनर्जी ने स्पीकर के ऊपर पेपर फेंक दिया था, क्योंकि उन्हें एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बोलने ही नहीं दिया गया। ये इशू था वेस्ट बंगाल में हो रहे इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेशन का। वो जो पेपर प्रेजेंट करना चाहती थी, उसमें उन्होंने पूरे सबूत दिए रखे थे कि कैसे तत्कालीन CPIM गवर्नमेंट बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसवा कर उन्हें बसवा रही है, ताकि इन्हें वो वोट बैंक की तरह यूज़ करें। इन सब से जो वेस्ट बंगाल में अलार्मिंग रेट पे डेमोग्राफी चेंज हो रहा था, इस पर ममता बनर्जी संसद और देश का ध्यान ले जाना चाहती थी, अपने बंगाल को बचाना चाहती थी, और अपने बंगाल को ख़त्म होता देख वो संसद में रो भी पड़ी थी। पर न देश को इसकी फिक्र थी, न देशवासियों को इन घुसपैठियों से कोई दिक्कत। तो जब तुम्हारी बर्बादी पे तुम्हें चिंता नहीं, उल्टा तुम खुद अपने ही विलेन को जितवा देते हो, तो विलेन हम खुद क्यों ना बने। और तब ममता बनर्जी ने अपने आंसू पोछे, अपना पॉलिटिकल ओपिनियन बदला, और एक कंप्लीट यू टर्न लेते हुए रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। और फिर हुआ क्या, 2011 में TMC को वेस्ट बंगाल में जीत मिली और ममता दी बन गई वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री। तो वो लोग जो ममता बनर्जी को ममता बेगम कहते हैं और तंज कसते हैं, वो जरा एक बार खुद सोचें कि उस बेचारी ने तो पूरी कोशिश की तुम्हारे लिए लड़ने की, तुम्हारे घर, तुम्हारे देश को बचाने के लिए, लेकिन तुम ही सो रहे थे। और अब ममता दी खुलकर रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के पक्ष में आवाज उठा रही हैं। तो एक बार के लिए सोचिए जरा कि एक पॉलिटिशियंस अगर ऐसा कर सकता है, तो क्या भरोसा कि वो पॉलिटिशियंस या वो पार्टीज जो आज रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो भी ममता दी की तरह यू टर्न नहीं मारेंगे। इसकी थोड़ी सी झलक मैं दिखाता हूँ। ये हैं भारत के अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने 17 अगस्त 2022 को बताया था कि उनकी मिनिस्ट्री ने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है। वेल, क्या है ये डिसीजन? इन्होंने बताया कि दिल्ली के कालिंदी कुंज कैंप में रह रहे 1200 रोहिंग्यास को अब बकरवाल एरिया में बन रहे 250 फ्लैट्स वाले हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें बेसिक एमिनिटीज दी जाएगी, UNHCR की IDs दी जाएगी, और 24 आवर्स पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी।
अब कोई अपने ही राज्य में रोहिंग्यास को बसाए तो समझ आता है, पर क्या होगा तब जब एक स्टेट बाजू के स्टेट की जमीन पर कब्जा करके वहां भी रोहिंग्यास को बसाए। ये है ओखला कॉन्स्टिट्यूएंसी का मदनपुर खादर एरिया। है तो ये दिल्ली राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंसी, पर यहाँ पर करीब 5 एकड़ जमीन है यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट की, और यूपी इरिगेशन के डिपार्टमेंट पर दिल्ली प्रशासन ने रोहिंग्यास का एक कैंप बनवा दिया है। 2021 में जब यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर इसे खाली कराने पहुँचे तो ओखला विधायक अमानतुल्ला खान ने इसे रोक दिया और उल्टा यूपी के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही धमका दिया। पर ऐसा नहीं है कि इलीगल इमिग्रेंट्स भारत की सीमा में सिर्फ घुस रहे हैं, इनमें से कुछ तो बाहर भी जा रहे हैं। जम्मू में 2017 से कुछ हिंदू संगठनों की कैंपेन से डिटेंशन ड्राइव जोर पकड़ने लगा, जिसकी वजह से रोहिंग्यास जम्मू के आसपास के एरिया को छोड़कर भागने लगे। याद है वो हरदीप सिंह पुरी वाला इंसिडेंट जिसमें रोहिंग्यास को 250 फ्लैट्स वाली हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट किया जा रहा था। ये न्यूज़ आते ही VHP और आप और कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ने अपोज किया, जिसकी वजह से ये डिसीजन वापस लेना पड़ा। मतलब जनता थोड़ा सा जागरूक क्या हो जाए, सरकारी मशीनरीज को झुकना ही पड़ता है। और शायद यही कारण है कि जो मदनपुर खादर वाला केस था जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने रोहिंग्यास को यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन पर बसाया था, उसमें कुछ अपडेट आया है। अतिक्रमण की न्यूज़ और विधायक अमानतुल्ला खान की वीडियो आने के कुछ ही दिन बाद यूपी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के थ्रू उस पूरे इलीगल सेटलमेंट को बुलडोज कर दिया और 2.5 हेक्टेयर ज़मीन फ्री करा लिया। मैंने तो पहली बार ऐसा सुना है कि एक स्टेट की बुलडोज़र दूसरे स्टेट में जाके वहाँ एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को एग्जीक्यूट करे। लास्ट ईयर जुलाई में यूपी पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड ने वेस्टर्न यूपी के मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ लेट नाइट ऑपरेशन करके 74 संदिग्ध रोहिंग्या को पकड़ा। पर ये सब तो इक्का दुक्का इंसिडेंट्स हैं। व्हाट्स अप्रिशिएबल अबाउट यूपी गवर्नमेंट इज दैट लास्ट ईयर जून में यूपी सीएम ने पैन यूपी स्लम सर्वे कराने के ऑर्डर्स दिए। इसके अंडर पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी स्लम्स हैं उन सब का सर्वे होगा, जिसका मकसद होगा यहाँ पर रह रहे एंटी सोशल लोगों को इलीगल रोहिंग्या बांग्लादेशी लोगों की पहचान करना। यूपी गवर्नमेंट तो फिर भी सिर्फ अपने स्टेट को इलीगल इमिग्रेशन के थ्रेट से बचा रही है, पर नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट तो पूरे भारत को बचा रहा है। इंडिया में घुसने के लिए आसाम एक अच्छा कॉरिडोर होता है, और पास्ट में रोहिंग्याज और बांग्लादेशी आसाम में घुसकर अन्य भारतीय राज्यों तक आसानी से पहुंचते थे। इट वॉज अ सेफ हेवन फॉर देम, बट अब ऐसा नहीं रहा, और इसका रीज़न है असम CM हेमंत बिश्व शर्मा। इन्होंने बताया कि स्मगलर्स त्रिपुरा के पोरस बॉर्डर्स के थ्रू एंटर करते हैं और आसाम के करीमगंज डिस्ट्रिक्ट से होते हुए भारत के बाकी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इसको टैकल करने के लिए CM शर्मा के इनिशिएटिव पे असम पुलिस और त्रिपुरा पुलिस का कोलैबोरेशन स्टैब्लिश किया गया है। साथ ही असम पुलिस इंडियन रेलवेज के संग भी कोलैबोरेट करके बराक वैली से असमीज वेस्टर्न बॉर्डर तक के सारे रेलवे स्टेशन पे इंटेलिजेंस को तेज करेगी और रोहिंग्या बांग्लादेशी को इस रूट पे इंटरसेप्ट करेगी। पर एक शॉकिंग बात जो आसाम के CM ने कहा कि जहां एक तरफ आसाम जैसे स्टेट्स हैं जो भारत और भारत के अन्य राज्यों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं, अपने स्टेट की मशीनरीज लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर वेस्ट बंगाल और झारखंड जैसे राज्य हैं जो रोहिंग्या बांग्लादेशी की तरह सॉफ्ट स्टैंड रखते हैं। पर आपको लग रहा होगा कि BJP का CM नॉन BJP CM पर दोषारोपण कर रहा है। इट्स पेटी पॉलिटिक्स, राइट? सितंबर 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि डेप्टी कमिश्नर ने एक PIL की सुनवाई में जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें बताया था कि संथाल परगना में बांग्लादेशी नहीं है। तब कोर्ट ने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल झूठ है और संथाल परगना में बांग्लादेशियों की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता, वहाँ बांग्लादेशियों का होना बहुत ही एविडेंट है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि संथाल परगना में बढ़ रहे इलीगल इमिग्रेशन की संख्या पर भी चिंता डाली और ऑर्डर्स दिया कि यहाँ पर आधार कार्ड्स के सरप्राइज इंस्पेक्शंस हो और IB, BSF और इलेक्शन कमीशन जैसे सेंट्रल एजेंसीज को भी जांच में इन्वॉल्व किया जाए। शायद जनता और जुडिशरी के इसी स्ट्रिक्टनेस का नतीजा है कि हमें कुछ ऐसी न्यूज़ भी दिखने लग गई हैं। मणिपुर ने पिछले 5 साल में 10,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को इंटरसेप्ट किया है, जिनमें से करीब 85 को अरेस्ट करके डिपोर्ट भी कर दिया है और 143 को डिटेंशन कैंप में रखा है रेडी फॉर डिपोर्टेशन। 2019 में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल और UN ने भारतीय सरकार को क्रिटिसाइज किया और कहा कि भारत इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉज का पालन किए बिना 5 रोहिंग्या को म्यांमार डिपोर्ट कर दिया।
इस क्रिटिसिज्म का रिप्लाई करते हुए भारत सरकार ने 9 और रोहिंग्यास को डिपोर्ट कर दिया। अब ये बात मुझे बहुत एब्सर्ड सी लग रही थी कि भारत इतने इजीली इंटरनेशनल लॉज को कैसे वायलेट कर रहा है। इनफैक्ट अक्टूबर 2018 में सरकार ने उन 17 रोहिंग्यास को डिपोर्ट करने का जब फैसला लिया तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को इस डिपोर्टेशन को रोकने की अपील कर दी, पर तब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिपोर्टेशन पे स्टे लगाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तो लॉज का कस्टोडियन होता है, फिर वो इतनी ईजली इंटरनेशनल लॉज को नज़रअंदाज कैसे कर सकती है? आइए जानते हैं कि कैसे कर सकती है। वर्ल्ड वॉर टू की वजह से यूरोप के अधिकांश देश प्रभावित हुए थे और 11 मिलियन लोगों को अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेना पड़ा था। इसके सॉल्यूशन के लिए यूरोपियन देशों ने 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन किया। इस कन्वेंशन के अंदर रिफ्यूजी शब्द को डिफाइन किया गया, नॉन रिफॉलमेंट प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि देश अपने रिफ्यूजीज को वापस उनके देश रिपोर्ट नहीं करेगा। साथ ही रिफ्यूजीज को राइट टू हाउस, राइट टू वर्क, एजुकेशन दिया गया। इलीगल एंट्री करने पे देश उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं देगा और कोई भी देश किसी भी बेसिस पर इनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा और नागरिकता जल्द से जल्द प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन थी। ये कन्वेंशन सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज पर लागू होता था और सिर्फ 1 जनवरी 1951 से पहले के डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजीज के लिए एप्लीकेबल था। पर फिर अफ्रीका में हो रहे टर्बुलेंस से डील करने के लिए 1967 प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस किया गया और इन नियमों को पूरे विश्व के लिए लागू कर दिया गया। लेकिन फिर भारत रोहिंग्यास को कैसे डिपोर्ट कर रहा है? क्योंकि भारत ने ना 1951 के कन्वेंशन और ना ही 1967 के इसके प्रोटोकॉल पर साइन किया, यानी हमारा देश पूरी तरह से फ्री है इन रिफ्यूजी इश्यूज को लेके। हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम इन रोहिंग्या बांग्लादेशी को रोज़गार, घर, सिक्योरिटी मुहैया कराएं, जो हमारे ही देश में आकर आतंक फैलाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की आइडेंटिटी या नागरिकता देने की, जो चार चार पांच पांच बच्चे पैदा करके हमारा ही डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। और हमें पूरा हक है रिफ्यूजीज को रेस और उनके ओरिजिन कंट्री के बेसिस पर भेदभाव करने का। और इसीलिए जब CA में हमने सिर्फ बांग्लादेशी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नॉन मुस्लिम्स को ही नागरिकता देने का फैसला लिया, ना कि म्यांमार के रोहिंग्यास को, तो हमने कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं तोड़ा है। अब बात यह है कि जब हमें पूरी आज़ादी है इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की, तो फिर हमने अभी तक किया क्यों नहीं? क्योंकि आप सो रहे थे, क्योंकि आपको फिक्र नहीं था कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, किसको आप अपने यहाँ कर्मचारी बना रहे हैं, कौन आपके बच्चों को स्कूल ड्रॉप और पिक करता है, किसके भरोसे आप अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़ते हैं। इससे डील करने के लिए सिर्फ आपको 2 सिंपल स्टेप्स करने हैं। पहला, आप किसको मेड, हाउस हेल्प या ड्राइविंग पर रख रहे हैं उनका आधार कार्ड और बैकग्राउंड चेक अवश्य करिए। दूसरा, अपने लोकेलिटी, सिटी में कोई झुग्गी झोपड़ी डेवलप हो रही है तो उसके बारे में ना सिर्फ पुलिस को अपडेट करिए बल्कि राष्ट्रवादी NGOs को भी इन्फॉर्म करिए और इन राष्ट्रवादी NGOs से परमानेंट कॉन्टैक्ट स्थापित करिए। और जैसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जागरूक हो, संगठित हो और संघर्ष करो, क्योंकि अगर हम अब भी नेग्लिजेंट रहें तो हम 1921 का वो काला इतिहास दोहराएंगे जब मोपला के लोगों ने अपने ही सर्वनाश के लिए जिहादियों को पैसे दिए थे, जिसके बारे में हमने डिटेल में इस वीडियो में बात की है।